नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आपका बगीचा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है NPK। NPK क्या होता है, NPK की कमी से पौधों में क्या नुकसान है, NPK पौधों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, NPK की कितनी मात्रा और कब और किस समय प्रयोग करनी चाहिए, NPK का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, किस तरह के प्लांट्स के लिए कौन सा NPK रेशो अच्छा होता है, आज हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पौधों को बहुत सारे आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो उनमें से तीन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं NPK। NPK में N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस, K से होता है पोटेशियम। NPK हमें पाउडर फॉर्म और ग्रैनुलर फॉर्म यानी कि दानेदार दोनों तरह का मिल जाता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है, जो कि पौधों के सभी तरह के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे पौधों को हरा रंग प्रदान करना, पौधे की वृद्धि करना, फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। पी यानी फॉस्फोरस, यह पौधों की जड़ों में तेजी से विकास करता है, पौधे को मजबूत और मोटा बनाने में मदद करता है और पौधे को बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। के यानी पोटेशियम, पौधे में फूलों की संख्या बढ़ाने और फूल से फल बनाने में यह मदद करता है। इसके उपयोग से पत्तियां चमकदार होती है, फूलों को गिरने से बचाता है, ठंड के मौसम में पौधे को खराब होने से भी पोटेशियम मदद करता है। तो अब बात कर लेते हैं NPK की कमी से पौधों को क्या नुकसान होता है। इससे पौधों का विकास रुक जाता है, जिससे आपके पौधे बौने रह जाते हैं। इससे फूलों की मात्रा में कमी आती है और फूल से फल भी नहीं बन पाता है। NPK की कमी से फूलों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, मुड़ने लग जाती है और पौधे को कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। अब बात करते हैं NPK का प्रयोग कब करना चाहिए। तो दोस्तों, NPK का प्रयोग आपको ग्रोइंग स्टेज पर करना चाहिए, मतलब जब पौधों में नई कलियां, नई पत्तियां आना शुरू हो जाए। तो 12 इंच तक के गमले में आप आधा चम्मच NPK का प्रयोग कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके पॉट का साइज बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से आप इसकी मात्रा 1 चम्मच तक कर सकते हैं। NPK का प्रयोग आपको 10 से 20 दिन के अंदर करना होता है, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, इससे पौधे को भारी नुकसान हो सकता है। आपको NPK का उपयोग शाम के समय में ही करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह गर्म होता है तो धूप में पत्तियां जल सकती है, इसलिए आप NPK का प्रयोग शाम के समय में ही कीजिए, तो वो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका NPK पाउडर फॉर्म में है तो आप इसको आधे से 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों में दें और पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका NPK ग्रैनुलर फॉर्म में है तो आप इसको मिट्टी की गुड़ाई करके 15 से 20 दाने मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। NPK का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, NPK का प्रयोग पतझड़ के समय में नहीं करना चाहिए, मतलब जब पौधा ग्रोइंग स्टेज में ना हो। अगर आप उस समय NPK का प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं किस तरह के पौधों के लिए कौन सा NPK रेशो अच्छा होता है। मान लीजिए आपने कोई सीडलिंग लगाई है और आप उसमें NPK यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसमें NPK 10 10 10 का प्रयोग करेंगे। NPK 10 10 का प्रयोग सीडलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपने घर में सभी तरह के पौधे उगा रखे हैं
तो आप उसमें एनपीके रेशो 19-19, 20-20 या 21-21 का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी तरह के पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी एनपीके के बारे में मेरी थोड़ी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।